हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 10 ऑफ इंग्लिश एंड द चैप्टर नेम इज इन द मॉर्निंग एंड आवर पेज नंबर इज हियर 46। ये स्टूडेंट्स, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह, सुबह के समय, सुबह के टाइम में, यहाँ पर कुछ आपको एक स्टोरी दी गई है मॉर्निंग के उसमें, तो आपको पता चलेगा कि हम मॉर्निंग में सुबह हम जल्दी उठते हैं, फिर हम तैयार होते हैं, फिर हम मम्मा हमारी हेल्प करती हैं, और जो जो हमारी एक्टिविटीज़ उस टाइम रहती हैं वो सारा इस चैप्टर में दिखाया गया है स्टोरी के थ्रू। तो इसमें हम आपको इसको रीड आउट करके दिखाएंगे और समझाएंगे, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको रीड आउट करेंगे। लेट अस रीड, एंड द फर्स्ट वर्ड इज वेक्स, WAKES, वेक्स। वेक्स मतलब जब उठ जाते हैं हम, वेकअप हो जाते हैं, जागना। ब्रशेस, BRUSHES, ब्रशेस। सेकेंड वर्ड इज ब्रशेस, एंड द स्पेलिंग ऑफ ब्रशेस इज BRUSHES, ब्रशेस। ब्रशेस मीन्स जो आप ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। थर्ड वर्ड इज यूनिफॉर्म, एंड द स्पेलिंग ऑफ यूनिफॉर्म इज UNIFORM, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो आप स्कूल में वियर करते हैं उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं, वो स्पेशल क्लोथ होते हैं तो उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट, एंड द स्पेलिंग ऑफ ब्रेकफास्ट इज BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स जो हम मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग। जो हम प्रिपेयरिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे मम्मा हमारा टिफ़िन की प्रिपेयरिंग करती हैं, मम्मा टिफ़िन को पैक कर देती हैं, तैयारी कर देती हैं, हमारी बॉटल फिल होती है हमारी। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर टिफ़िन, एंड द स्पेलिंग ऑफ टिफ़िन इज हेयर TIFFIN, टिफ़िन। टिफ़िन मीन्स जो आप लंच बॉक्स लेकर आते हैं, खाने का जो बॉक्स होता है आपका, उसे टिफ़िन बोलते हैं। कॉम्स, COMBS, कॉम्स। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्स, द स्पेलिंग को कॉम्स इज COMBS, कॉम्स। कॉम्स इज कंघी। टोस्ट, टोस्ट होता है ब्रेड का, एंड द स्पेलिंग ऑफ टोस्ट इज TOAST, टोस्ट। टोस्ट मीन्स जो हम ब्रेड का हम टोस्ट खाते हैं, जिस पे जैम लगा होता है या बटर लगाते हैं, उसे टोस्ट बोलते हैं। बटर, एंड द स्पेलिंग ऑफ बटर इज हेयर BUTTER, बटर। बटर मीन्स मक्खन, कितना टेस्टी होता है, आप सब तो खाते ही हैं बटर। नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट रेडी, एंड द स्पेलिंग ऑफ रेडी इज READY, रेडी। रेडी मतलब तैयार होना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसमें आपको स्टोरी रीड आउट करके बता रहे हैं और आपको ये चैप्टर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं मॉर्निंग में। मम्मी कॉल्स अनु वेकअप, मम्मी अनु को जगा रही हैं कि अनु उठ जाओ। इट इज़ 6 o'clock कि 6 बज चुके हैं। अनु वेक्स अप, अनु उठ जाती है। शी सेज़ गुड मॉर्निंग मम्मा, ये बोल रही है गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा, फिर अपने पापा को गुड मॉर्निंग विश कर रही है। आप भी करते हैं, जैसे कि आपकी मम्मा उठाती हैं आपको, आप अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं सुबह मॉर्निंग में, इसी तरह से ये भी विश कर रही है अपने मम्मा पापा को। देन शी गोज़ टू द बाथरूम, उसके बाद वो बाथरूम चल जाती है। अनु ब्रशेस हर टीथ, अनु अपने टीथ को ब्रश करती है, दांतों को ब्रश करती है। शी टेक्स हर बाथ, वह बाथिंग करती है। शी कॉम्स हर हेयर, अपनी हेयर्स में कॉम करती है, कंघी करती है बालों में। शी वियर्स हर यूनिफॉर्म, वो अपनी यूनिफॉर्म वियर करती है। शी पुट्स ऑन हर शूज़, वह अपने शूज़ पहन लेती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अनु गोज़ टू द किचन, यहाँ पर देखिए साथ में आपको पिक भी दिखाई दे रही है, पिक्चर बनी हुई है, उस हिसाब से उसी टाइप से यहाँ पर सारा बता रखा है।
अब थर्ड पिक्चर में देखिए, अनु गोज टू द किचन, अनु किचन में जाती है। मम्मी एंड पापा आर इन द किचन, मम्मा और जो पापा होते हैं वो किचन में हैं। मम्मी इज़ प्रिपेयरिंग अनुज टिफिन, और मम्मी अनु का टिफिन प्रिपेयरिंग कर रही है, बना रही हैं। पापा इज़ मेकिंग टी, और जो पापा हैं वो टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। अनु सेज मम्मा आई एम रेडी, अनु बोलते हैं अपनी मम्मा को आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। प्लीज़ गिव मी ब्रेकफास्ट, तो अपनी मम्मा से ब्रेकफास्ट मांग रही है, प्लीज़ गिव मी ब्रेकफास्ट, कि मुझे नाश्ता दे दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड पेज नंबर 47। ओके स्टूडेंट्स, मम्मी पुट्स द टिफिन बॉक्स इन अनुज बैग, जो मम्मा होते हैं यहाँ पर उन्होंने अनु के बैग में टिफिन रख दिया। देन शी गिव्स हर ब्रेकफास्ट, उसके बाद उन्होंने उसे ब्रेकफास्ट दिया अन्नू को। अन्नू सेज थैंक यू मम्मा, अन्नू ने अपनी मम्मा को क्या बोला, थैंक यू मम्मा, धन्यवाद बोल रही है। पापा ब्रिंग्स टू कप्स ऑफ टी, हाँ पापा दो कप टी, टू कप्स टी लेकर आए हैं, चाय लेकर आए हैं। इसमें अन्नू ईट्स टोस्ट विद बटर एंड जैम, जो अन्नू टोस्ट खा रही है उस पर बटर और जैम लगा हुआ है। शी ड्रिंक्स हर मिल्क, उसने अपना मिल्क भी पी लिया। आप लोग भी पीते हैं, आप सुबह ब्रेकफास्ट भी करते हैं, दूध भी पीते हैं, ऐसे ही अनु ने भी अपना मिल्क फिनिश कर लिया है। पापा एंड मम्मी ड्रिंक देयर टी, पापा और मम्मी अपने चाय पी रहे हैं। इट इज़ 7 o'clock, अब 7 o'clock हो गए हैं, 7 बज गए हैं। अनु इज़ रेडी फॉर स्कूल, अनु स्कूल के लिए रेडी है। अनु एंड पापा वॉक टू द बस स्टॉप, अनु और जो पापा हैं वो बस स्टॉप पर चले गए हैं। द बस कम्स, बस आ गई है। अनु इज़ ऑफ टू स्कूल, अनु स्कूल के लिए चली गई। पापा कम्स बैक, पापा वापस आ गए हैं। ही रीड्स द न्यूज़पेपर, वे वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपने वापस आकर घर पे। मम्मी हेल्प्स राहुल टू गेट रेडी, अब मम्मा राहुल की हेल्प कर रही हैं कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। देन शी टेक्स हर बाथ, उसके बाद मम्मा बाथिंग करती हैं। एंड प्रिपेयर्स फूड, और खाना बनाती हैं। इट इज़ 8 o'clock, अब 8 o'clock हो गए हैं, तो उसमें पापा टेक्स हिज बाथ, पापा अपना बाथिंग कर रहे हैं, पापा नहा रहे हैं। ही वियर्स हिज क्लोथ्स एंड शूज़, उन्होंने अपने क्लोथ्स वियर कर लिए हैं, कपड़े पहन लिए और शूज़ जूते पहन लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड पेज नंबर 48 हेयर। ही कम्स एंड सिट एट द डाइनिंग टेबल, वो तैयार हो गए हैं पापा, तो अब वो डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं और बैठ गए हैं। डाइनिंग टेबल पे सब देखिए, यहाँ पर सब डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ईट, तो यहाँ पर ऐसे ही अनु के पापा तैयार होकर आ गए हैं और डाइनिंग टेबल के पर बैठ गए। डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब सीट हैं, बैठ गए हैं। राहुल एंड मम्मी आर ऑलरेडी देयर, राहुल और जो मम्मी हैं वो पहले से ही वहाँ पर हैं। राहुल कॉल्स दादाजी एंड दादी जी, राहुल अपने दादाजी और दादी जी को बुलाती हैं, बुला रहे हैं। दे आल्सो कम एंड सिट एट द टेबल, तो उसके दादा दादी जी भी वहाँ पर आ गए हैं राहुल के, और वो भी बैठ गए हैं। दे ऑल ईट देयर ब्रेकफास्ट, उन सब ने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता कर लिया। इट इज़ 9 o'clock, अब देखिए यहाँ पर कार वाला सीन है, पापा कार ड्राइव कर रहे हैं। इट इज़ 9 o'clock, अब 9 o'clock हो चुके हैं, 9 बज चुके हैं। पापा एंड मम्मी आर रेडी टू गो टू वर्क, पापा और मम्मी रेडी हो चुके हैं अपने वर्क पे जाने के लिए, काम के लिए पर जाने के लिए। मम्मी गोज़ टू हर ऑफिस इन हर कार, मम्मी अपने ऑफिस अपनी कार में जाती हैं। राहुल ब्रिंग्स पापाज कार कीज, राहुल पापा की कार की कीज़ ले आया, चाबी ले आया है। पापा ड्रॉप्स राहुल एट स्कूल, पापा ने राहुल को स्कूल छोड़ा। देन ही गोज़ टू द हॉस्पिटल, उसके बाद पापा हॉस्पिटल चले गए। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप भी सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठ जाते होंगे, आपकी मम्मा आपको वेकअप करते होंगे, जगाती होंगी, आप उठ जाते होंगे, मम्मा पापा को दादा दादी जी को सबको आप विश करते होंगे गुड मॉर्निंग, उसके बाद आप भी ब्रशिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं, कॉम करते हैं अपने हेयर्स में, यूनिफॉर्म भी आप पहनते थे जैसे आप जब स्कूल आते थे, अभी तो कोरोना की वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, बाकी सबका एक जैसा ही रूटीन होता है। और मम्मा आपकी हेल्प करती हैं, आपका फटाफट टिफ़िन पैक करती हैं, पापा भी हेल्पिंग करते हैं मम्मा की, और फिर ब्रेकफास्ट भी आप करती हैं, सब मिल्क भी दूध भी पीते हैं आप सब, है ना।
ऐसे ही फिर उसके बाद आप जाने के लिए रेडी हो जाते हैं स्कूल। मम्मा या पापा आपको छोड़ते हैं बस स्टॉप पे, और फिर पापा आके इसमें जैसे स्टोरी में बताया कि पापा ने वापस आए, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद पापा मम्मा ने राहुल को रेडी करा, उसको नहलाया, उसके लिए खाना तैयार करा, सबके लिए खाना बनाया मम्मा ने। फिर 8 बज गए, उसके बाद पापा अपने लिए रेडी हुए ऑफिस जाने के लिए, उन्होंने क्लॉथ्स और शूज़ वियर करे और डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे हो गए। राहुल और मम्मा पहले से वहाँ पर थे। इसी टाइप से दादाजी दादी जी जैसे आपके घर में ये सारी चीज़ होती है, ऐसे ही इस चैप्टर में भी यहाँ पर यही स्टोरी दिखाई गई है। और फिर सब टेबल पर बैठे, ब्रेकफास्ट किया, 9 o'clock हो जाते हैं। मम्मा पापा, आपके मम्मा पापा भी कहीं हाउसवाइफ होते हैं, मम्मा कहीं वर्किंग होती हैं, तो सब ऐसे ही करते हैं। जो वर्किंग होती हैं वो अपना भी वर्क फटाफट होम का फिनिश करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही राहुल की मम्मा चले गए हैं ऑफिस अपनी गाड़ी में।